मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू इम्पैक्ट प्रिंटर्स इन कंप्यूटर। दिस वीडियो इज फॉर क्लास 7 एंड वीडियो पार्ट इज 15। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट लाइन प्रिंटर्स। द लाइन प्रिंटर्स कंपोजेज वन लाइन एट ए टाइम, जिसे नाम से ही पता चल जाता है यह लाइन प्रिंटर जो है वो एक समय में एक ही लाइन को कंपोज करता था, प्रिंट करता था। लाइन प्रिंटर्स कैन प्रिंट बिटवीन 300 टू 3000 लाइंस पर मिनट, और यह 300 से लेकर के 3000 तक लाइंस को पर मिनट यह प्रिंट करने में सक्षम था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेजी व्हील प्रिंटर्स। इन दिस टाइप ऑफ प्रिंटर्स ए मोटर स्पिन्स द व्हील रैपिडली एंड व्हेन द डिजायर्ड कैरेक्टर स्पिन्स टू द करेक्ट पोजिशन अ प्रिंट स्ट्राइक्स इट टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट। डेजी व्हील प्रिंटर्स में इस तरह का जो प्रिंटर होता है उसमें एक मोटर जो है स्पिन करता है, घूमते रहता है बहुत तेज गति में, और जिस कैरेक्टर को छापना है तो वहाँ मूव करता है और सही पोजीशन में उसको स्ट्राइक करता है किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। दिस प्रिंटर्स दैट डू नॉट हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रिंट मीडियम। स्टूडेंट्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में यह प्रिंटर जो है डायरेक्ट पेपर के टच में नहीं होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इंकजेट प्रिंटर्स और लेजर प्रिंटर्स। तो सबसे पहले हम लोग इंकजेट प्रिंटर्स के बारे में बात करेंगे। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर शूट्स बबल of ink on the print surface to form the image. Inkjet printers में actually होता है कि इसमें bubble जो है वो shoot करता है, spray करता है जो print surface का जो medium है वहाँ पर, और कोई भी image को यहाँ पर print करने के लिए ये इस तरह का तकनीक का इस्तेमाल करता है। और दिस इज़ वेरी क्वाइट प्रिंटर, यह बहुत ज़्यादा शोरगुल नहीं करता है, बहुत साउंड वे में यह प्रिंट करता है। और इसके बाद सेकेंड में हम लोग देखेंगे लेज़र प्रिंटर्स के बारे में। दिस प्रिंटर्स यूजेस, यानी दिस प्रिंटर्स यूज लेज़र बीम टू क्रिएट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑन सेलेक्टेड पार्ट्स ऑफ द इमेज सरफेस। स्टूडेंट, लेजर प्रिंटर या लेजर बीम का इस्तेमाल करके यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को यह क्रिएट करता है सेलेक्टेड पार्ट्स पर, जो इमेज का भाग होता है उसके सरफेस पर यह इलेक्ट्रो मैग्नेटिक चार्ज को इस्तेमाल करते हुए यह छपाई का काम करता है। और इसका जो प्रिंट स्पीड होता है वो 5 to 10 पेजेस पर मिनट टेक्स्ट के लिए यह इस्तेमाल करता है। इसके बाद हम लोग प्लॉटर के बारे में आप लोग सुने होंगे। यह प्रिंटर एक तरह का एक प्रिंटर होता है, प्लॉटर्स। तो ये प्रिंटर इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट दैट कंटेंस प्रिंटेड वर्ड्स। एक ऐसा प्रिंटर जो कि सक्षम होता है आउटपुट देने के लिए, और इसके पास प्रिंटेड वर्ड्स होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग
स्ट्रेट लाइन एंड सिंपल फिगर्स लाइक स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स। तो स्टूडेंट्स, यह जो प्रिंटर, इस तरह का प्रिंटर्स हम लोग देखते हैं कि यह सीधे लाइन को प्रिंट करता है और बहुत ही जो सरल फिगर्स होते हैं, सिंपल फिगर्स, जैसे एग्जांपल दिए गए हैं, स्क्वायर में हो या रेक्टेंगल्स या फिर कोई सर्किल हो। ए प्लॉटर इज ए प्रिंटर, एक तरह का प्रिंटर ही होता है, दैट इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। इसका प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, किसी तरह का चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स एंड डायग्राम्स को बनाने के लिए इसका प्रयोग में लाया जाता है। हालांकि यह बहुत आउटडेटेड है, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इसको शेयर कर रहा हूँ। तो प्लॉटर्स के बारे में आपने जानकारी पाया। नेक्स्ट, नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे मॉडेम। द वर्ड मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसका फुल फॉर्म होता है द मॉडेम मेनली सपोर्ट्स फॉर कम्युनिकेशन ऑफ डेटा। यह मॉडेम जो है वो मुख्य रूप से सपोर्ट करता है डाटा के कम्युनिकेशन के लिए। जब भी डाटा को हम लोग एक्सचेंज करते हैं तो उसमें इसका अहम भूमिका होती है। इट मॉड्यूलेट्स ऑल द डेटा फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल। और यह एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का भी काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट है साउंड कार्ड। पहले कंप्यूटर में साउंड कार्ड्स इंस्टॉल अलग से किया जाता था। अब जो भी कंप्यूटर्स आते हैं वो कंपनी के द्वारा इनबिल्ट आते हैं, साउंड कार्ड इनबिल्ट होता है, आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यह जो साउंड कार्ड है, यहाँ स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, टू एनहेंस द क्वालिटी एंड आउटपुट ऑफ साउंड, यानी साउंड के क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और उसके आउटपुट के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। एक तरह का कार्ड होता था, साउंड कार्ड, जो कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर या उसके स्लॉट में इसको इंसर्ट किया जाता था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।